नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सबसे आगे निकलते हुए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें 3 नाम यादव परिवार से हैं। लेकिन इस सूची में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका जवाब खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया है। सपा की पहली सूची में यादव परिवार के जो 3 नाम शामिल हैं, उनमें अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को बदायूं और फिरोजाबाद सीट से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को लोकसभा सीट चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। सपा की पहली सूची में यादव परिवार के जो 3 नाम शामिल हैं, उनमें अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को बदायूं और फिरोजाबाद सीट से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। पहली सूची में जिनके नाम शामिल हैं, उनको लेकर पहले से चर्चा की जा रही थी, लेकिन इसमें शिवपाल यादव का नाम शामिल नहीं है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इसमें खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी नहीं है। शिवपाल यादव को टिकट नहीं दिए जाने पर जब अखिलेश यादव ने सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर गोलमोल जवाब दिया और ये साफ किया कि शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के सवाल पर क्या कहा, आप भी सुनिए। आने वाले समय में वो भी पता लग जाएगा। लोग कह रहे हैं चाचा का भी सीट, चाचा का भी टिकट बंटवा देंगे कहीं। जो चुनाव लड़ने वाले हैं, आप लंबी सूची देखेंगे, सब लड़ रहे होंगे। सर, फरकाबाद और खीरी की सीट को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है, फरकाबाद और लखनपुर की। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण, प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, जो प्रत्याशी, उसी दल उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हराए। दरअसल खबरों की माने तो अखिलेश यादव कन्नौज और आजमगढ़ 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शिवपाल यादव का आजमगढ़ से चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले शिवपाल यादव को आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा की जा रही है। यही वजह है कि अभी तक शिवपाल यादव से चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं हुआ है। आजमगढ़ पर स्थिति साफ होते ही शिवपाल या उनके बेटे आदित्य यादव को यहां से टिकट दिया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि टिकट नहीं मिलने पर शिवपाल यादव को प्रदेश या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।